हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई। मैं मारुत तिवारी आपका स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई चैनल पर। जो लोग मुझसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं मास्टर्स प्रोग्राम में टॉपर रहा हूं आईआईटी खड़गपुर में 2013 बैच में। 7 साल का मेरा गेट और ईएसई में मेंटरिंग का, टीचिंग का एक्सपीरियंस है। 200 से ज़्यादा बैचेस को सिखा चुका हूँ मैं। एंड इफ आई वॉन्ट टू ब्रैग आई कैन, बट आई वॉन्ट that I have cracked gate multiple times, and once again if I want to brag I can but I won't, that I'm the author of the book Gate in 75 Days, which is a comprehensive book for entire gate mechanical engineering. Pure gate mechanical ke liye comprehensive book hai Gate in 75 Days, jisme 75 days ka ek pura revision program, zabardast revision program hai us book mein. Cengage Learning se published hai wo book. आप अमेजॉन पे जाके सर्च कर सकते हो मारुत तिवारी एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, प्लीज डू इंस्टॉल इट। एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद मेक श्योर दैट यू फॉलो मी। आप सर वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं बहुत सारे स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट नंबर ऑफ स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसलिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो सर फटाफट। 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं अभी तक और आपको ये हर हाल में हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। आप में से वो लोग जो एक सिस्टमैटिक गाइडेंस चाहते हो, जो एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहते हो, वो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट थिंग। सब्सक्रिप्शन इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स के, टॉप क्लास गाइडेंस और टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स के बेनिफिट्स एट लेस देन हाफ द कॉस्ट। लेस देन हाफ द कॉस्ट में आपको टॉप क्लास एजुकेटर्स एंड टॉप क्लास स्टडी मिलेगा। लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं सब्सक्रिप्शन के। लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, डेली लाइव क्लासेस होती रहती हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, टॉप क्लास एजुकेटर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप प्रवीण कुलकर्णी सर के सेशंस अटेंड कर सकते हो। मैकेनिक्स टॉम एमडी और एफएम के सेशंस के लिए, सोम के सेशन के लिए मेरे इन सब्जेक्ट्स के लिए मेरे सेशंस अटेंड कर सकते हो आप। राजीव सर के सेशंस अटेंड कर सकते हो आप प्रोडक्शन के लिए और इंडस्ट्रियल के लिए। तो एक सब्सक्रिप्शन में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आपका कोर्स लूँगा तो मैं कुलकर्णी सर का कोर्स भी देख सकता हूँ क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्सक्रिप्शन एक है, उसी सब्सक्रिप्शन से आप जितने एजुकेटर्स को अटेंड करना चाहो उन सारे एजुकेटर्स को अटेंड कर सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन है और अनलिमिटेड एक्सेस है। आप इनफैक्ट आप किसी भी एजुकेटर के क्लासेस अटेंड कर सकते हो, भले ही आपने कोड किसी का भी यूज किया हो सर। डेडिकेटेड डाउट सेशंस हैं, आप क्लास के बीच में भी पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस होती हैं जहां आप इंटरैक्ट कर सकते हो, आप कुछ भी यू नो टाइप कर सकते हो और पूछ सकते हो कि सर ये बात मुझे नहीं समझ में आई, प्लीज इसको रिपीट कर दो। तो डेली लाइव क्लासेस होती हैं सर, और उन लाइव क्लासेस में आप सीख सकते हो सिस्टमैटिकली। मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि चैप्टर वन किया, फिर चैप्टर टू किया, फिर हर 15 दिन बाद एक टेस्ट हो गया, तो आपने खुद को इवैल्यूएट कर लिया कि मेरी लर्निंग सही चल रही है या नहीं चल रही है। आप सबसे अच्छी बात यह है सर कि आप सेशंस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन मोड में आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, जो कि आपको यू नो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में ये ब्यूटी कभी नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार सेशंस को रिवाइज कर सकते हो सर। पर्टिकुलरली बात करते हैं गेट और ईएसई के सब्सक्रिप्शन की। अगर आपको unacademy.com पे जाना है, आपको खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद गोल्स सेलेक्ट करने हैं, गेट एंड ईएसई का गोल सेलेक्ट करना है। मजे की बात यह है कि गेट और ईएसई दोनों के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन है, अलग अलग आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। एक सब्सक्रिप्शन में आप गेट भी टारगेट कर सकते हो, ईएसई भी टारगेट कर सकते हो, और दोनों अगर आपका टारगेट है तो भी आपको अलग से ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वैसा कुछ भी नहीं है।
आप एक सब्सक्रिप्शन से दोनों टारगेट कर सकते हो सर. 25,000 में अवेलेबल है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन. आई एम सेइंग इट अगेन, इट इज वर्थ इट. इट इज रियली 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 वर्थ इट. इट इज मोर देन वर्थ इट. 25,000. और सर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से टॉप क्लास में सीखने को मिलता है जबरदस्त गाइडेंस के साथ. और आप ऑफलाइन में देख सकते हो कितनी बार चाहो, जितनी बार आपको तसल्ली ना हो ना कि अच्छा एक बार और मैं देखता हूं तो मुझे पूरा कमांड आएगा, तो आप फिर से वो सेशन देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो अपने. प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड करने वाला हूं मैं बहुत सारी हर चैप्टर की, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं जस्ट 25,000 रुपीस में सर, एक साल का सब्सक्रिप्शन. लेकिन वेट, अगर आप कोड यूज करोगे MTLIVE एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन, देन ये अवेलेबल होगा आपको जस्ट 22,500 रुपीस में. दिस विल बी अवेलेबल टू यू एट जस्ट 22,500 रुपीस, विच इज अ डील, बिलीव मी, विच इज अ डील. मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो 70-80K अफोर्ड नहीं कर सकते सिर्फ गेट या ESE को प्रिपेयर करने के लिए, और उनके लिए कहीं ना कहीं ये विन विन सिचुएशन है. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल डील. मेरे वो दोस्त जो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हो, गेट और ESE दोनों, मैं फिर से बता दूं, कोई अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं है, गेट और ESE दोनों का सब्सक्रिप्शन एक ही सब्सक्रिप्शन है, और दोनों के कोर्सेज आप अटेंड कर सकते हो. गेट के भी कोर्सेज अटेंड कर सकते हो, ESE के कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हो. 32,500 रुपीज में दो साल एंड जस्ट 32,500 रुपीज, दिस इज इट. ऑल राइट, इनफैक्ट उस पे भी आप अगर मेरा कोड यूज करोगे MTLIVE तो ये आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिलने वाला है 29,250 रुपीज में. दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू एट जस्ट 29,250 रुपीज. मैं सर फिर से कहता हूं आपको, 29,000 में गेट एंड ESE की इतनी बढ़िया लर्निंग, इतनी जबरदस्त लर्निंग, गाइडेड लर्निंग आपको नहीं मिल सकती, बिलीव मी. इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टीज के साथ, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के साथ आपको सीखने को मिलता है ये सब कुछ. अगर आप मेरा कोड यूज करते हो MTLIVE तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो. आज के एजेंडा पर आते हैं. आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है मेरे दिल के बहुत क्लोज एक वर्ड, और वो है फोकस. फोकस इज अ वर्ड विच रियली मेड अ डिफरेंस इन माई लाइफ, विच रियली मेड अ डिफरेंस इन माई लाइफ. एंड आई हैव सीन सो मैनी पीपल जिनकी लाइफ में इस एक वर्ड की वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है. ये डिफरेंस कुछ ऐसा है सर, ये डिफरेंस कुछ ऐसा है सर कि जो काम मिस्टर ए 2 घंटे में करते हैं उसी काम को मिस्टर बी आधे घंटे में परफॉर्म कर सकता है. उसी रिजल्ट तक मिस्टर बी आधे घंटे के एफर्ट के साथ पहुंच सकता है. बिलीव मी, ये एक वर्ड है इस डिफरेंस की वजह. ये एक वर्ड है इस डिफरेंस की वजह कि एक इंसान जिस रिजल्ट तक 5 घंटे डेली एफर्ट्स के साथ पहुंच सकता है, दूसरा इंसान उसी रिजल्ट तक सिर्फ 2 घंटे के एफर्ट्स के साथ पहुंच सकता है. फोकस कैन मेक सच अ बिग डिफरेंस. और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है मुझ पे दैट सर मुझे पता है गलती कहाँ हुई, मुझे पता है मेरा फोकस ही नहीं था, मैं डिस्ट्रैक्ट होता रहता हूँ, मैं बीच बीच में मुझे लगता है कि मैं रास्ते से अलग जा रहा हूँ, कहीं हट रहा हूँ. तो क्या तरीका है इस ये रास्ते से हटना जो है, ये रास्ते से हटने से खुद को बचाने का तरीका क्या है? सर फोकस सभी लोग लूज करते हैं, डिस्ट्रैक्शन सबके पास हैं, सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हैं, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना और खुद को वापस इस एक वर्ड पर लेकर आना, यही रियल डिफरेंस है विनर्स और लूजर्स के बीच में. मेरा मानना है दैट इट रियली मेक्स अ डिफरेंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं एस में क्लासेस पिछले 5 साल से ले रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे और मुझसे पूछते थे सर आपने तो टॉप किया है मास्टर्स में IIT खड़गपुर में, तो आप बताओ कि कैसे आपने किया. मुझे ये नहीं पता कि कैसे मैंने किया कैसे नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है
कि मुझसे ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, मुझसे ज़्यादा पढ़ने वाले कम से कम 50% स्टूडेंट्स थे जो मुझसे ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट्स में एक अच्छा खासा डिफरेंस रहा। मैं कम पढ़ने के बावजूद बेहतर रिजल्ट्स या बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता था। क्यों? अगेन, दिस वन वर्ड रियली 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 मेड अ डिफरेंस। आप बोलोगे हर इंसान जो अचीव करता है ना वो ऐसे ही बोलता है कि मैंने पढ़ाई ही नहीं की, मैंने 2 घंटे ही पढ़ाई की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई की सर, और बहुत एफिशिएंटली पढ़ाई की, बहुत इफ़ेक्टिवली पढ़ाई की। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फोकस पे कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो फोकस को। मैंने जो टेक्निक्स यूज़ की, मैंने जो तरीके यूज़ किए, मैं उन्हीं तरीकों के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं हवाबाजी नहीं करने वाला हूँ। जो प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव टेक्निक्स मैंने यूज़ की हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, जिन्होंने मुझे एक्चुअली बेनिफिट किया। सबसे पहला तरीका जिसने एक्चुअली मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया, दैट इज़ गेट एडिक्टेड टू राइटिंग। हम में से बहुत सारे लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, समझ जाते हैं, कुछ भी सीखते हैं एक बार में समझ जाते हैं, ग्रैस्प कर लेते हैं, हमारी ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, शार्प होते हैं, लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आता है ना तो उनसे 5-6 क्वेश्चंस गलत हो चुके होते हैं, और इस वजह से वो कहते हैं कि सर यू नो ये सिली सिली मिस्टेक्स हो गए और फाइनली आई कुड नॉट गेट इट। ऐसा इसलिए होता है सर क्योंकि उनका फोकस जो है वो सिर्फ पढ़ने और सीखने और ग्रैस्प करने पर रहा, उस चीज़ को किसी को सिखाने पर नहीं रहा। जब आप पेपर पे लिख रहे होते हो ना, जब आप सीखते हो तो आप रिसीविंग मोड में होते हो, बट जब आप लिख रहे होते हो तो आप डिलीवरिंग मोड में होते हो, आप एक तरह से खुद को पढ़ा रहे होते हो। और सर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ कि किसी को पढ़ाते हो। आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आपका माइंड प्रोग्राम्ड होता है इस बात के लिए कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। पढ़ाते समय आप रेयरली डिस्ट्रैक्ट होगे, और लिखना एक्चुअली पढ़ाने जैसा है। जब आप लिख रहे होते हो तो आप खुद को पढ़ा रहे होते हो, यू आर टीचिंग टू योर सेल्फ। और इसलिए अगर आपकी आदत में है ये, बहुत अच्छी बात है सर, आप में विनर्स की एक बहुत उम्दा कैरेक्टरिस्टिक है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट क्वालिटीज ऑफ विनर्स यू हैव। अगर आप में नहीं है, मेक श्योर दैट यू अक्वायर इट टूडे, मेक श्योर दैट आज के आज आप में ये कैरेक्टरिस्टिक आ जानी चाहिए। नहीं आएगी सर, मैं बता रहा हूँ आपको, जो काम आप यू नो 3-4 घंटे डेली पढ़ के कर सकते हो ना, उसी के लिए आपको 6-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जब आप लिखते हो तो आपको फोकस मेंटेन नहीं करना पड़ता फोर्सफुली, आपका माइंड प्रोग्राम्ड होता है इस चीज़ के लिए कि आप लिख रहे हो मतलब खुद को पढ़ा रहे हो, और खुद को पढ़ा रहे हो तो यू नो माइंड प्रोग्राम्ड होता है कि उसको फोकस्ड रहना ही रहना है। आपके डिस्ट्रैक्शन के चांसेस मिनिमल होते हैं जब आप लिख रहे होते हो। मेक श्योर दैट यू गेट एडिक्टेड टू राइटिंग। आप यू नो लिखना स्टार्ट कर दो सर। अगर आप एक यू नो गोल्डन रूल ये है, एक सिंपल गोल्डन रूल ये है सर, कि अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ाई करते हो तो उसमें से बेस्ट तो ये होगा कि 50-50, लेकिन अगर आप 50-50 शुरू में नहीं मैनेज कर सको तो अगर आप 60% स्टडी पे डेडिकेट करते हो देन 40% उसकी डिलीवरी पे डेडिकेट करना होगा आपको। 40% आपको नोट डाउन करना होगा जो कुछ भी आपने सीखा। ये एक्चुअली इस एक छोटी सी चीज ने मेरा फोकस बढ़ाने में मुझे बहुत हेल्प की। दूसरी बात ये है सर दैट आपको फोर्सफुली खुद को इंसुलेट करना होगा। आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं मैं क्या करूं, मोबाइल पे इतने नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, मैं क्या करूं, दोस्त आ जाते हैं बुलाने, फिर सर कुछ नहीं हो पाता, मैं क्या करूं, मुझे 2 महीने पहले किसी ने कॉल की और उसने बोला कि सर मैं जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा क्योंकि जून तक मैं हॉस्टल में हूं और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डिस्टर्ब करते रहते हैं यहाँ पर, लाइक सीरियसली। और आपको लगता है कि जुलाई से आपको कुछ एक अलग तरह का एनवायरनमेंट मिल जाएगा। सर आपको एनवायरनमेंट मिलेगा नहीं, आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। लाइक बहुत सीधी सी बात बोल रहा हूँ मैं,
आप अगर ऐसे किसी एनवायरनमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हो, इफ यू आर वेटिंग फॉर सच अ कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट टू एंटर इन टू योर लाइफ, नेवर गोइंग टू हैपन. कभी आपको घर वाले डिस्टर्ब कर रहे होंगे, कभी आपको पड़ोसी डिस्टर्ब कर रहे होंगे, कभी आपको आपके फ्रेंड्स डिस्टर्ब कर रहे होंगे, कभी आपको आपका मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा होगा, कभी कुछ ना कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट करता ही रहेगा. आपको फोर्सफुली खुद को इंसुलेट करना होगा. जब तक आप नहीं इंसुलेट करोगे सर, यू नो डिस्ट्रैक्शंस आते ही रहेंगे, एंट्रोपी बढ़ती ही रहेगी. इसलिए मेक श्योर दैट कम से कम दिन के एक से दो घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा और भी अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दिन के एक से दो घंटे आप खुद को एक रूम में बंद कर लो और एक्सेसिबल रहो ही मत. मतलब ऐसा नहीं है कि आप यू अंडरस्टैंड, आइसोलेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं. आपको दोस्तों से भी वास्ता रखना है, आपको फैमिली से भी वास्ता रखना है, आपको इंस्टीट्यूट से, सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से, सबसे वास्ता रखना है. किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है, किसी से ऐसे रूड नहीं होना है, अरोगेंट नहीं होना है. लेकिन एक दो घंटे के लिए आप पोलाइटली सबको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि दीज टू आवर्स बिलोंग टू मी एंड माई स्टडी. तो इंसुलेट योर सेल्फ, मेक श्योर जिसे आप कहते हो कि फोर्सफुल फोकस, कि आपके आसपास आप कोई ऐसी चीज ही नहीं आने दोगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने दे. और उसके बाद आप सिर्फ और इसमें सिर्फ सराउंडिंग से नहीं इंसुलेट करना है आपको, आपको खुद के थॉट्स से भी इंसुलेट करना है. यू विल हैव टू मेक श्योर दैट इवन योर थॉट्स आर नॉट डिस्टर्बिंग, है ना. ऐसा ना हो कि आपने रूम में खुद को बंद कर लिया और फिर दो घंटे सो गए. दैट्स नॉट व्हाट आई मीन. तो आपको खुद के लेजी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स से भी खुद को इंसुलेट करना होगा. इंसुलेट योर सेल्फ, मेक श्योर दैट यू हैव डेडिकेटेड फोकस कंटिन्यूअसली फॉर 2-3 hours a day. कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 3 hours a day. एंड माई डियर फ्रेंड्स, डू इट फॉर 10 days. ज्यादा नहीं, मैं 2-4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 दिन करके देखो और 10 दिन बाद आके इस वीडियो पे कमेंट करना दैट हाउ इट मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ. बट डिड आई डू इट? I mean, I'm telling you, उपदेश पर उपदेश कुशल बहुतेरे. मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, मैंने किया क्या सर? मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि ये वो सारी टेक्निक्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की. मैं आपको बताता हूं, मेरे थर्ड सेमेस्टर में ऐसा था कि हमारे घर में एक फंक्शन था एग्जाम के बहुत करीब, एग्जाम से एक महीने पहले घर में फंक्शन था, ढेर सारे रिलेटिव्स आते जाते रहते थे एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन वॉज देयर. तो मेरे नेबर के वहाँ एक रूम स्पेयर था जो कोई नहीं यूज़ करता था, एंड मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एक महीने के लिए वो रूम मुझे दे दें, और अगर वो कुछ रेंट भी बोलेंगे तो वो भी मैं मैनेज कर लूँगा कैसे भी करके. एंड बिलीव मी गाइस, वो उन्होंने रेंट चार्ज नहीं किया, और वो उनसे मैंने ले लिया वो रूम, उसमें मैंने लॉक लगा लिया. एंड डेली मैं 3 घंटे के लिए उस रूम में जाता था एंड खुद को डिसकनेक्टेड रखता था, खुद को इंसुलेटेड रखता था, और 24 घंटे में, और बाकी समय आके सब में इन्वॉल्व रहता था, सब लोग खुश भी रहते थे. ऐसा नहीं था कि लोग सोचें कि अरे ये तो किताबों में ही डूबा रहता है. तो फ्रेंड्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स, आपका बचपन, अगर आपको मालूम होगा बचपन इन द सेंस कि 20 तक ऐसा ही होता है कि अगर आपका मामा का लड़का आया है और उससे आपके बहुत क्लोज टर्म्स हैं तो आप नहीं चाहोगे कि आप उसको मुंह बना के अलग अलग घूमते रहो. लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद आप 24 घंटे में 3 घंटे ऐसे मैनेज कर सकते हो जब आप पूरी दुनियादारी से खुद को अलग करके रखोगे सर. तीसरी बात, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि आपने कहीं ना कहीं हो सकता है सीखी हो, सुनी हो ये बात, पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक हैव बीन साइंटिफिकली प्रूवन टू बी एक्चुअली हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर फोकस. आपका फोकस इंप्रूव करने में ये बहुत हेल्प करता है कि आप अगर, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया 3 घंटे, मैंने अभी अभी आपको बताया 3 hours a day. सो वो जो 3 घंटे हैं ना, उसमें आपको 3 घंटे लगातार पढ़ना नहीं, आपको 45 मिनट्स पढ़ना है और बाकी 15 मिनट्स आपको किताबें बंद कर देनी है और कुछ क्रिएटिव करना है. इसका मतलब ये नहीं कि वो 15 मिनट में आप ऐसा कुछ करने लग गए कि फिर आप लौट के ही नहीं आए.
आप सीरीज देखने लग गए, आपको लगा सीरीज देख लेते हैं, फिर सीरीज में तो सर उसने लास्ट मोमेंट पर ऐसी जगह जाके फिनिश किया कि नेक्स्ट एपिसोड, वो नेटफ्लिक्स में नेक्स्ट एपिसोड का जो क्लिक होता है वो आपसे फिर रहा नहीं गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आपको कुछ ऐसा करना है जो 10 से 15 मिनट में हो भी सके और आपको रिफ्रेश कर दे आपके कॉन्सेंट्रेशन को, जो माइंड में स्टैग्नेशन हो जाता है, जो सैचुरेशन हो जाता है, उस सैचुरेशन को ब्रेक कर सको आप। तो ये 15 मिनट आप क्या करने वाले हो, अभी आपको मैं बताता हूँ ये 15 मिनट क्या करने वाले हो आप। लेकिन जैसे आप अगर 3 घंटे डेली सीखने वाले हो कुछ भी, तो 45 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, वंस अगेन 45 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। तो 45 मिनट्स 15 मिनट्स 45 मिनट्स 15 मिनट्स की 3 साइकिल में डिवाइड कर लो इस पूरी स्टडी को। कैसे करना है, पहली बात मैंने आपको शुरू में बताया कि इस पूरे टाइम में मेक श्योर दैट एटलीस्ट 40% ऑफ द टाइम यू आर डेडिकेटिंग टू राइटिंग 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 राइटिंग। पढ़ो, किताब को साइड में रखो और खुद से लिखने की कोशिश करो, खुद से लिख के उस चीज को यू नो वेरीफाई करने की कोशिश करो। तो लिखना, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई सर, दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो ये कि इंसुलेट करना होगा आपको 3 घंटे। अब ये 3 घंटे में आपको 45 मिनट्स 15 मिनट्स 45 मिनट्स 15 मिनट्स की साइकिल में इसको डिवाइड करना है इस पूरे टाइम को। ऑल राइट, पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं इसको और साइंटिफिकली प्रूव्ड है दैट इट हैज एक्चुअली हेल्प्ड पीपल टू इम्प्रूव द फोकस। उसके बाद बाकी 15 मिनट में आपको करना क्या है, उस 15 मिनट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन जो मैं फॉलो करता था वो था सुडोकू। आप कोई भी इस तरह की माइंड एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिले, आप जो सैचुरेशन था माइंड में वो भी ब्रेक हो जाए और एट द सेम टाइम आपके ब्रेन को फोकस की ट्रेनिंग मिले। सुडोकू रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस। सुडोकू हो गया, एक छोटा सा चेस गेम हो गया, अगर आपने बीच में आधे घंटे का ब्रेक लिया, चेस एक्चुअली इंप्रूव्स योर फोकस। चेस आपका फोकस बहुत बहुत अच्छे से, बहुत इंटेंसिफाइड वे में इंप्रूव करता है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं किया करता था बीच बीच में सुडोकू गेम्स खेलना। तो सुडोकू का एक गेम उठाया, मीडियम लेवल का ही, बहुत ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं आपको कि आपको सुडोकू में मास्टर बनना है, आपको अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है फोकस्ड रहने की। ऑल राइट, ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है फोकस्ड रहने की। और सर एक, इन 4 बातों के अलावा एक छोटी सी बात जो मैंने, और मैं ऑनेस्टली एडमिट कर रहा हूँ कि अब आजकल की लाइफ स्टाइल में, मेरी जो आजकल की लाइफ स्टाइल है उसमें मैं बहुत टाइम नहीं निकाल पाता हूँ इसके लिए। इनफैक्ट ऑनेस्टली मैं अगेन एडमिट कर रहा हूँ कि महीनों हो गए हैं आई डिड नॉट प्रैक्टिस दिस, लेकिन एट द टाइम ऑफ माई स्टडी, एट द टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन आई यूज टू डू दिस। मुझे आज भी याद है IIT खड़गपुर के हॉस्टल में मैंने एक चार्ट पेपर लगा रखा था और उस पर मिडिल में एक ब्लैक डॉट बना हुआ था मेरे बेड के लगभग 2-3 फिट ऊपर दीवार में। और डेली 5-10 मिनट्स यू हैव टू स्टेयर एट इट। अगर आप कैंडल मेंटेन कर सको डेली, तो कैंडल के फ्लेम के टिप पर आपको अपना फोकस मेंटेन करना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ऑल राइट, इस टेक्निक को कहते हैं त्राटक। दिस मेडिटेशन टेक्निक इज नोन बाय द नेम त्राटक। इस मेडिटेशन की तरीके को कहते हैं त्राटक। और सर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं ये, दैट डू इट फॉर 10 days एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। डू इट फॉर 10 days, मैंने इजाद नहीं की है, ना 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 ना, मैंने इजाद नहीं की है, आई हैव नॉट डिस्कवर्ड दिस टेक्निक और समथिंग, आई जस्ट लर्नड इट एट द टाइम ऑफ माई स्टडीज, सो आई एम पासिंग इट ऑन टू यू। और यू नो 10 रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगा कि त्राटक के फायदे क्या हैं। लेकिन आप 5-10 मिनट डेली ये करो एंड बिलीव मी गाइज, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि आपको महीनों लगेंगे इंप्रूवमेंट ऑब्जर्व करने में, 10-15 दिन में आप रियली एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देख रहे होगे खुद में। त्राटक एक्सरसाइज करना शुरू करो सर, डेली मेडिटेट करना शुरू करो कैंडल की टिप पर, ओपन आई मेडिटेशन। दिस इज एन ओपन आई मेडिटेशन।
मैक्सिमम 10 मिनट्स अ डे, आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। तो 10 मिनट का कोई भी मॉर्निंग या इवनिंग का शेड्यूल आप बना लो, कैंडल की फ्लेम के टिप पर आपको फोकस करना है फॉर 10 कंटिन्यूअस मिनट्स, ऑल राइट। या फिर अगर आप कैंडल नहीं मेंटेन कर सकते हो तो एक चार्ट पेपर पे बीच में एक ब्लैक डॉट बनाओ, एक मार्कर ले लो और उसे एक ब्लैक डॉट बना दो और उसको आपकी आंखों के सामने कहीं दीवार पे पेस्ट कर दो एट अ डिस्टेंस, एट अ गैप ऑफ रफली 25 सेंटीमीटर। सो 20 to 25 सेंटीमीटर आपकी आंखों से डिस्टेंस होनी चाहिए एंड दिस इज रियली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, बिलीव मी इट हैज़ मेड अ डिफरेंस इन माई लाइफ। ये 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे मैं वो परफॉर्म कर सका जो मुझसे डबल मेहनत वाले परफॉर्म कर रहे थे मेरे समय, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी कर सकते हो सर। आई एम वेरी श्योर दैट इवन यू कैन डू दैट एफिशिएंटली, जो बाकी 6 घंटे में अचीव करते हैं वो आप 3 घंटे में अचीव कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट माई डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट होप दैट आप ये सारी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करो और सफलता के झंडे गाड़ते रहो, आप नई नई ऊंचाइयों को छूते रहो। थैंक यू सो वेरी मच माई लवली स्टूडेंट्स टू बी देयर विद मी, टू बी हैविंग अ कंटिन्यूअस फेथ इन मी। आई वाइंड अप द सेशन, सेशन को वाइंड अप करते करते मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है प्लीज डू इंस्टॉल एंड प्लीज फॉलो मी अनअकैडमी पर जाओ और मारुत तिवारी सर्च करो और फॉलो करो सर। सब्सक्रिप्शन लेना अपने आप में आपको एक बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट प्रूव होने वाला है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं, आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलता है सर, एंड एक सब्सक्रिप्शन के बाद आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है, डेडिकेटेड डाउट सेशंस हैं और आप ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो वीडियोस को, क्लासेस को रिवाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा है, रिवाइज करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो सर जैसे मैं आपको मैकेनिक्स 28 तारीख से मेरा टॉम का 28 फरवरी से थ्योरी ऑफ मशीन्स का मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है सर, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि थ्योरी ऑफ मशीन्स आपने कभी इस तरह से एंजॉय नहीं किया होगा जैसे आप एंजॉय करने वाले हो थ्योरी ऑफ मशीन्स को। तो मैं मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन, सॉम और FM ये सारे मैं खुद सिखाने वाला हूँ। थर्मोडायनेमिक्स आप कुलकर्णी सर से सीखोगे, प्रोडक्शन आप राजीव सर से सीखोगे और उसके लिए कुछ अलग से नहीं परचेज करना है, एक ही सब्सक्रिप्शन में ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है एट 25,000। कोड यूज करोगे MT Live तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको सिर्फ 22,500 में अवेलेबल होगा। ऐसे ही 2 साल का पैकेज अवेलेबल है 32,500 में, वंस अगेन कोड यूज करोगे MT Live आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा 29,250। एंड सबसे अच्छी बात ये है सर दैट गेट और ESE के लिए आपको अलग अलग सब्सक्राइब नहीं करना है, गेट और ESE के लिए एक पैकेज है, एक ही पैकेज में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों की लर्निंग 2 साल 30,000 में इंडिया के टॉप क्लास एजुकेटर्स के साथ, ऑसम टेस्ट सीरीज के साथ, ऑसम लर्निंग के साथ। और एक और बेनिफिट, अगर आप MT Live यूज करते हो तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनोगे जिसमें मैं आपको लाइव क्लासेस जो मेरी हैं वो तो आप अटेंड करोगे ही करोगे, वो तो आप और भी बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने वाले हो, बट आप मेरी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनोगे देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द डाउट सॉल्विंग कंटिन्यूअसली 24/7। कभी भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, आपको मैं कहीं भी गिरने नहीं दूंगा। जो मैंने शुरू में बताया ना आपको कि आपको कोई ऐसा मिल जाए जो उस रास्ते पर चल चुका है तो वो आपको बता सकता है कि भाई इस तरफ मत जाना, इस तरफ गड्ढे हैं रास्ते में। तो सर आप खुद से एक्सपेरिमेंट करो, गिरो और तजुर्बा हासिल करने में 1 साल लगा दो, उससे अच्छा है कि किसी ऐसे मेंटर की गाइडेंस में आ जाओ। मेरी गाइडेंस कंपलसरी नहीं है बट किसी ऐसे मेंटर की गाइडेंस में आ जाओ जो ऑलरेडी उस रास्ते पर चल चुका हो, जो आपको बता सके कि सही क्या है और गलत क्या है।
सो दैट आपका एक साल पूरा सिर्फ तजुर्बा लेने में वेस्ट ना हो जाए, सिर्फ एक्सपीरियंस लेने में वेस्ट ना हो जाए. मैं आपको घर पे करो प्रॉब्लम्स भी देने वाला हूँ, होमवर्क भी देने वाला हूँ कंटिन्यूअसली, और उनको मॉनिटर करने वाला हूँ, एडिशनल प्रैक्टिस शीट्स देने वाला हूँ, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ, और आपको मॉक टेस्ट्स भी मिलेंगे. तो मेरी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में आपको एक पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी. किसी भी कदम पर मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, किसी भी कदम पर मैं आपको किसी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा. मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है सो दैट आप रैंकर बन सको एंड ऑफ द डे. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गाइज फॉर स्टेइंग विद मी. आप में से जो लोग को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मल्टीपल चैनल्स पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो. फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो एट मारुत ऑफिशियल. टेलीग्राम पे आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एमटी लाइव. मेल कर सकते हो आप मुझे marutlife@gmail.com. आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 7007289510. तो ये सारे चैनल्स हैं मुझसे कनेक्ट होने के लिए. चाहे इन जनरल आपकी करियर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर आपकी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आई ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू. मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं. जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से पूरी कि मैं उनके कंसर्न्स को, उनकी समस्याओं को एड्रेस कर सकूं. आई एम सेइंग इट वंस अगेन दैट थैंक यू वेरी मच. डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड डू कम बैक टू द वीडियो आफ्टर 10 days. 10 दिन पोमोडोरो, 10 दिन इंसुलेट एंड 10 दिन मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट त्राटक करो सर. और 10 दिन बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप वापस आओ इस वीडियो पर और आपका एक्सपीरियंस शेयर करो दैट वेदर इट एक्चुअली हेल्प्ड यू आर नॉट. ऑल राइट, अगर नहीं हेल्प किया तो भी आप शेयर करो, नो प्रॉब्लम. कम बैक टू दिस वीडियो 10 days लेटर एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि टेक्निक्स ने आपकी हेल्प की या नहीं की. मेक श्योर दैट यू ऑनेस्टली फॉलो देम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक दिन किया और आपको लगे अरे एक दिन में तो जमीन आसमान हो जाना चाहिए था. आई एम सेइंग इट वंस अगेन फॉर वन लास्ट टाइम दैट माई लवली विशेज आर देयर विद यू, दैट आप जिंदगी में ऊंचाइयों को छूते रहो, सफलता के नए नए आयाम आप हासिल करते रहो, झंडे गाड़ते रहो सर, और आपकी सोसाइटी, आपके एनवायरनमेंट, आपके सिटी, आपके स्टेट, आपकी कंट्री और आपके और हमारे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोपगेट कर सको. थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी. नाइस टू सी यू एंड आई विल सी यू वंस अगेन वेरी सून.